आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। सरकार ने वाहन मालिकों को दी बड़ी राहत, 15 फरवरी तक बड़ी फास्टैग की डेडलाइन। सरकार ने फास्टैग की डेडलाइन को लेकर वाहन मालिकों को थोड़ी राहत दी। अब देश भर में सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग 15 फरवरी 2021 तक इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इससे पहले NHAI की ओर से कहा गया था कि 1 जनवरी से कैस्ट्रोल कनेक्शन बंद हो जाएगा, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। फास्टैग को 1 दिसंबर 2017 के बाद से ही नए वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन के समय अनिवार्य कर दिया गया था। इस पूरे फैसले को लागू करने के लिए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया था। अब तक 2.20 करोड़ से ज्यादा फास्टैग आवंटित किए गए हैं। एक्सपर्टों का मानना है कि कोविड-19 के कारण लोग कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वही 24 दिसंबर को पूरे देश भर में फास्टैग का बम्पर ट्रांजेक्शन हुआ था। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने बताया कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन यानी NETC प्रोग्राम के तहत ये पहली बार था जब एक दिन में फास्टैग से 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का टोल कनेक्शन हुआ था। 24 दिसंबर 2020 को एक दिन में 50 लाख से ज्यादा फास्टैग का ट्रांजेक्शन हुआ था। वही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अनुसार फास्टैग ई कॉमर्स वेबसाइट Amazon, Flipkart और Snapdeal और Paytm पर उपलब्ध है। बैंक और पेट्रोल पंप से भी फास्टैग को खरीदा जा सकता है। बैंक से फास्टैग लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस बैंक में आपका खाता है उसी से ही फास्टैग खरीदें। वही NHAI के अनुसार आप फास्टैग को किसी भी बैंक से 200 रुपये में खरीद सकते हैं। फास्टैग को आप कम से कम 100 रुपये का रिचार्ज में करवा सकते हैं। सरकार ने बैंक और पेमेंट वॉलेट से रिचार्ज पर आसान यहाँ पर रिचार्ज पर अपनी तरफ से कुछ अतिरिक्त चार्ज की यहाँ पर छूट सरकार द्वारा दी गई है। सरकार का नया प्लान, 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर मिलेगा एक्स्ट्रा सैलरी। सरकार 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर अब कर्मचारी को ओवरटाइम देने की तैयारी में है। सरकार नए श्रम कानून को लेकर नया प्लान तैयार करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार कामकाजी घंटों को सीमित करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही अगर ज्यादा घंटे काम करवाया जाता है तो उसके लिए ओवरटाइम के हिसाब से भुगतान भी करना होगा। आपको बता दें कि फिलहाल स्टैंडर्ड नियम 8 घंटे का काम का है। इस आधार पर कर्मचारियों की सैलरी तय होती है। गौरतलब है कि 2019 में सरकार ने नए वेतन कोड पास किया था जिसमें कामकाजी घंटों को लेकर कहा गया था कि ये 8 घंटे या फिर 12 घंटे होंगे। तभी इसको लेकर भ्रम की स्थिति में सब थे। सूत्रों ने बताया कि एक गलत धारणा थी कि नया श्रम कानून 12 घंटे कर्मचारियों से काम करवाने की इजाज़त देता है। इस गलत धारणा को खत्म करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। ओडिशा में 1 जनवरी से खुलेंगे सिनेमाघर। सरकार ने जारी किया है दिशा निर्देश। ओडिशा सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है जिसके तहत अब राज्य में 1 जनवरी 2021 से सिनेमाघर और थिएटर को 50% दर्शकों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। ताजा दिशा निर्देशों को 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी तक के लिए यहां पर लागू किया गया है। करीब 9 महीने बाद नए साल पर ओडिशा में सिनेमाघर खुलेंगे। राज्य में अब सामाजिक, धार्मिक और मनोरंजन और खेल, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 200 लोगों तक के शामिल होने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है। हालांकि जिला प्रशासन हालात के अनुसार कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को कम भी कर सकते हैं। वहीं शादियों में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या को अभी भी 200 तक ही सीमित कर रखा है। सरकार ने अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को 50 से बढ़ाकर 100 कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर में ही सिनेमाघरों को खोलने की मंजूरी यहां पर दे दी थी। हालांकि केंद्र ने कहा था कि सिनेमाघरों में दर्शकों को इस तरह बैठाया जाए उनकी बगल वाली सीट को खाली रखा जाए। हालांकि ओडिशा सरकार ने उस वक्त सिनेमाघरों को खोलने की मंजूरी नहीं दी थी। सभी आंगनबाड़ी सेंटरों को 21 जनवरी 2021 तक बंद रखने का फैसला यहां पर सरकार की ओर ने यहां पर ओडिशा सरकार ने दिया है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्विमिंग पूल अभी भी यहां पर ओडिशा में बंद रहेंगे। केवल ट्रेनिंग के मद्देनजर इसका स्विमिंग पूल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। वही कंटेनमेंट जोन के अंदर लॉकडाउन लागू रहेगा, लेकिन उसके बाहर कहीं भी लॉकडाउन लगाने की इजाज़त यहाँ पर नहीं दी गई है। बिहार में स्कूल खुलने से पहले छात्रों को सरकार मुफ्त बांटेगी फेस मास्क। तैयारियां हो गई है पूर्ण। बिहार में स्कूलों को खोले जाने में सिर्फ 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। ऐसे में कोविड-19 महामारी की भयावहता को देखते हुए बिहार सरकार मास्क की व्यवस्था करने में जुट गई है। सुरक्षा उपाय के तहत बिहार सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त फेस मास्क बांटेगी। इसके लिए 73 लाख फेस मास्क बांटे जा रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर डेटा के मुताबिक 9वीं से 12वीं कक्षा में 36,61,000 बच्चे हैं, जिनमें 3,17,000 बच्चे सिर्फ पटना में है। वही प्रत्येक स्टूडेंटों को महामारी की सुरक्षा उपाय में एक भाग के तौर पर 2 फेस मास्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने
बताया कि सरकारी स्कूलों में आवश्यक फेस मास्क की मात्रा सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक जिले की कक्षावार नामांकन सूची जारी की है। उनके मुताबिक पिछले एकेडमिक ईयर में एडमिशन के डेटा के अनुसार जो गणना की गई है उसके अनुसार राज्य में 38 जिलों में कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के छात्रों की संख्या 36,61,942 छात्र नामांकित है। हर छात्र को 2 फेस मास्क निःशुल्क प्रदान सरकार की ओर से किए जाएंगे। इसे पूरा करने के लिए 73 लाख से अधिक फेस मास्क की सरकार को यहाँ पर आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि सारे जिला शिक्षा अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर तक जीविका ग्रुप से फेस मास्क को लेकर इनवॉइस जमा करें और जिला शिक्षा अधिकारी को हायर सेकेंडरी स्कूल में 4 जनवरी तक मास्क बंटवाना होगा। इस बीच प्राइवेट स्कूल थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक चूँकि पिछले 10 महीनों से स्कूल बंद है, इसलिए पानी की टंकी की साफ सफाई और छात्रों के अनुपस्थित छात्रों को हाथ धोने और पानी पीने की में काफ़ी दिक्कत होती है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने हटाया रात्रि कर्फ्यू, सभाओं पर लगी रोक को भी हटाया। पंजाब सरकार ने रात्रि कर्फ्यू और सभाओं पर प्रतिबंध हटाने का फैसला सुनाया है। इसके अनुसार 1 जनवरी यानी आज से होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल को लेकर यहां पर सरकार ने कुछ बदलाव किया है, कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पंजाब सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कोरोना की स्थिति में अब सुधार हो रहा है, जिसके मद्देनजर पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने रात्रि कर्फ्यू हटाकर लोगों को राहत दी है। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि यह आदेश आज से लागू होगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज पैलेस की टाइमिंगों को यहां पर जो पहले नाइट कर्फ्यू के कारण जो बदले थे उनको भी वापस लेने का यहां पर ऐलान किया। इसका मतलब नए साल पर लोग रात्रि भोज यहां पर कर सकते हैं, रात्रि में भोज यहां पर कर सकेंगे। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने नया आदेश जो जारी किया था उसके अनुसार खुले स्थान पर होने वाले प्रोग्रामों में 200 के बजाय कार्यक्रमों में 500 लोग हिस्सा ले सकेंगे। वहीं पहले प्रदेश सरकार ने बंद जगहों पर 100 और ओपन स्पेस में आयोजित कार्यक्रम में महज 200 लोगों के शामिल होने की परमिशन यहां पर दी थी, लेकिन सरकार ने अब इसमें छूट देने के साथ साथ कोरोना बचाव संबंधी उपाय को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। वहीं जिला प्रशासन को सख्त निगरानी रखने का आदेश भी यहां पर दिया है। वहीं पंजाब के गृह एवं न्याय विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 28 दिसंबर को जारी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए सभी डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और सभी जनरल IG और पुलिस कमिश्नर और DIG व SHP जे को यहां पर एक लेटर भेजा, जिसमें लिखा गया है कि पंजाब राज्य में नाइट कर्फ्यू, होटल, रेस्टोरेंटों और मैरिज पैलेस की समय सीमा और इंडोर और आउटडोर कार्यक्रमों में लोगों की उपस्थिति संबंधी दिशा निर्देश 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेंगे। इसके बाद आज से यहां पर ये नए प्रतिबंध यहां पर ये प्रतिबंध 1 जनवरी से पहले हटा दिए जाएंगे, यानी 31 दिसंबर 2020 को ये हटा दिए जाएंगे। 1 जनवरी से यहाँ पर नए आदेश लागू हो जाएंगे। इस आदेश के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज पैलेस रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं इंडोर कार्यक्रमों में 1,000 की बजाय यहाँ पर 200 लोग और आउटडोर इंडोर में कार्यक्रमों में 100 लोगों की जगह पर यहाँ पर 200 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं आउटडोर में 200 की बजाय 500 लोग शिरकत कर सकेंगे। देश भर में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर सकारात्मक खबर आ रही है सामने। सरकार ने मानी है किसानों की 2 मांगे, अब 4 जनवरी को होगी अगली वार्ता। पिछले करीब 35 दिनों से कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कई हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के कई इलाकों में धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं किसानों ने अपने तंबू वहां पर लगाए हुए हैं और रात और दिन वही मौजूद है। तमाम जदोजहद के बाद भी किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। वहीं दूसरी ओर सरकार किसानों को मनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस बीच खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चल रही 6ठे दौर की वार्ता खत्म हो चुकी है। इस बैठक में सरकार ने किसानों की कमेटी बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर सरकार ने किसानों को दिया है। इसके साथ ही एक बार फिर से 4 जनवरी को फिर से बातचीत की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज विज्ञान भवन में किसान आंदोलन में शामिल नेताओं के साथ बैठक हुई है। बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने चार विषय चर्चा के लिए रखे थे। उनमें 2 विषयों पर आपसी सहमति सरकार और किसानों के जो यूनियन है उनके बीच हो गई है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने हमारी 2 मांगे मान लिया है, आज की बातचीत अच्छी रही है और 4 जनवरी को अगली वार्ता होगी, तब तक शांतिपूर्ण ढंग से यहां पर प्रदर्शन किसानों का जारी रहेगा। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो देश में पिछले 24 घंटों में 22,000 नए कोरोना के केस आए हैं सामने। 26,000 लोग हुए ठीक। अब तक 1,48,738 संक्रमितों की हो चुकी है मौत। देश में कोरोना संकट अभी थमा नहीं है। हर दिन हजारों नए कोरोना केस भारत में सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 21,822 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 299 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 26,139 लोग ठीक भी हुए हैं। यहां पर लगातार 11वां दिन है जब 25,000 से कम केस भारत में सामने आए हैं। 20वें दिन
30,000 से कम केस यहाँ पर भारत में दर्ज किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,02,67,000 हो गई है। अब तक भारत में 1,48,738 लोगों की जान यहाँ पर चली गई है, यानी 1,48,738 लोगों की इस दौरान कोरोना के कारण मौत हुई है। कुल एक्टिव केस घटकर भारत में 2,57,000 पर आ गए हैं। अब तक कुल 98,60,000 लोग कोरोना को मात देकर भारत में ठीक हो चुके हैं। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के अनुसार 30 दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए भारत में कुल 17,20,00,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 11,00,000 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के 20,000 से भी कम सक्रिय मामले बताए जा रहे हैं। वही कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामलों में 40% मामले केरल और महाराष्ट्र राज्य से हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। कुल रिकवरी के 52% मामले इन्हीं 5 राज्यों में से है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा बना हुआ है। वही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। राहत की बात यह है कि मृत्युदर एक्टिव केस रेट में लगातार भारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना मृत्युदर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 96% है। एक्टिव केस भारत में 3% से भी कम बचे हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का 10वां स्थान है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है। रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर यहां पर आता है। वहीं देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना के केसों में गिरावट दर्ज हो रही है। इसके अलावा पंजाब में कोरोना के केस यहां पर 500 से कम आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी कोरोना के केसों में यहां पर अब गिरावट यहां पर आने लगी है। राजस्थान में भी कोरोना के केसों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा गुजरात में भी कोरोना के केसों में लगातार यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। गुजरात के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने भी कोरोना के केसों में कमी आई है। इसके अलावा बात करें दूसरे राज्यों की, तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के केसों में कमी आई है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।